मोटापा किसी भी तरफ से आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका असर आपकी फर्टिलिटी पर भी पड़ सकता है। जी हाँ, एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि मोटापा ब्रेन की कार्य क्षमता को प्रभावित करने के साथ साथ पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होने का कारण भी बन सकता है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड के शोधकर्ताओं की इस स्टडी में इंसानों से मोटापे की नकल करने के लिए चूहों को हाई फैट फूड खिलाया गया। इस स्टडी के रिजल्ट में जो सामने आए उससे ये पता चलता है कि ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन कम था और उन रिसेप्टर्स की संख्या भी कम थी जो आमतौर पर ब्रेन को एनर्जी स्टोरेज के बारे में सूचित करते हैं, और इस सिग्नल के मिलने के बाद ही ब्रेन और खाना ना खाने के संकेत देता है। इस स्टडी में फर्टिलिटी के बारे में यह बताया गया कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन हाइपोथैलेमस प्यूट्री गोनेडल एक्सेस द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और मोटापा इसे प्रभावित कर सकता है। ये पिट्यूटरी के बजाय ब्रेन को अफेक्ट करता है। इतना ही नहीं, मोटापे की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन के निर्माण का लेवल कम होने लगता है। इससे टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म के निर्माण में कमी आती है। स्टडी में हाई फैट फूड्स खाने वाले चूहों में रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाले न्यूरॉन्स में कम सिनेप्टिक कनेक्शन पाया गया। बता दें कि शरीर का वजन ज़्यादा होना या मोटापे की समस्या से दुनिया भर में लाखों लोग परेशान हैं और इसी के कारण हार्ट डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज जैसी परेशानियों का खतरा बना रहता है। उम्मीद करते हैं हमारी ओर से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthside.com।